सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2019 आयोजित 13,000 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। अजमेर में आज सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2019 का आयोजन हुआ। अजमेर शहर के 26 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। लगभग इसमें 13,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित हुई। प्रथम पारी सुबह 9:30 बजे तथा द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई। परीक्षा में विभिन्न स्थानों पर जैमर भी लगाए गए। किसी को परीक्षा सरल लगी तो किसी को कठिन। हाँ भैया, किस तरह के क्वेश्चन थे? क्या क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और जो लेवल था वो भी बहुत अच्छा लेवल था। तो करंट बहुत डिटेल से करंट दिया हुआ था पूरा। और इसके अलावा सामाजिक योजनाएं बाकी तो भी बहुत अच्छे। आज सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे और आईएएस का पेपर था हमारा और अच्छा आया पेपर। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था सब कुछ, बाकी सब अच्छा था, कुछ दिक्कत नहीं थी और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। सरल था या थोड़ा टिपिकल था? बट इट इज ओके। किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा थे, क्या पूछा गया? साइंस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे और आर्टिकल्स बेस्ड थे। अब एक किस चीज का एग्जाम था? ये जनरल स्टडीज का था। पहला पेपर आया था यूपीएससी का, 9:30 से 11:30 की जो शिफ्ट प्लेस में पेपर काफी अच्छा आया और लेवल भी अच्छा है। स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से अच्छा है, सिलेबस के हिसाब से भी अच्छा है और जो करंट के भी काफी क्वेश्चन आए हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं नई, जैसे जो अटल स्कीम है उसके भी, उसके ऊपर भी आया है। जो लैब्स बनाई है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं। नया जो जीके है उसके काफी आ रहा है। जीके टफ था? नहीं, टफ नहीं था, बाकी करंट न्यूज जो लेटेस्ट वाला उस हिसाब से था। लेटेस्ट जो चल रहा है इस ईयर का, लास्ट ईयर का, उसके ऊपर कहीं कोई त्रुटि? प्रश्न पत्र और व्यवस्था अच्छी बना रखी यूपीएससी ने, सेंटर की व्यवस्था अच्छी करी है। प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि रही है? नहीं, त्रुटि नहीं रही। प्रश्न पत्र लगभग परफेक्ट है। अच्छा,